नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 के इस खास पेशकश में। राजधानी रांची हॉकी के रंग में पूरी तरह से रंग चुकी है और रंगे भी क्यों ना। भारतीय टीम का प्रदर्शन कुछ इस कदर रहा है कि जितने भी खेल प्रशंसक हैं, जितने भी हॉकी प्रशंसक हैं, अब मानो पूरी तरह से खुश नजर आ रहे हैं। रांची में भारत और चीन के बीच आज मुकाबला खेला जाना है। अब से कुछ ही मिनट में वो मुकाबला शुरू होगा और इस मुकाबले को लेकर भीड़ देखते ही बन रही है। प्रशासन की ओर से भीड़ को संभालना काफी मुश्किल हो गया है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके साथ ही भारत चीन के मैच को लेकर दर्शकों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और हम आपको बताते चले कि पिछले जो दो मुकाबले हुए हैं भारत के, एक भारत बनाम थाईलैंड, दूसरा भारत बनाम मलेशिया जो हुआ, दोनों मुकाबले एक तरफा देखने को मिले हैं। भारतीय टीम की अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली, लेकिन आज का मुकाबला खास इसलिए है क्योंकि आज सीधे चीन से टक्कर है। चीन से टक्कर बहुत कांटे का टक्कर माना जाता है। एक कह सकते हैं कि बहुत मजबूत प्रतिद्वंदी सामने है और भारतीय बेटियों को, भारत की लड़कियों को आज मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जीत हासिल करने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। और तस्वीरों में आप देखिए, ये मैच से ठीक पहले की तस्वीरें हैं। भीड़ देखते ही बन रही है स्टेडियम के भीतर। हालांकि कुछ सीमित सीटें हैं, उसी हिसाब से प्रशासन को लोगों को अंदर जाने की अनुमति देनी होगी और इसके मद्देनजर लाइन भी काफी लंबी लगी हुई है। सब कुछ बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से चल रहा है। हालांकि भीड़ जब ज्यादा हो गई तो कहीं ना कहीं प्रशासन परेशान दिखी। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा भीड़ होने के बाद भीड़ को संभालना प्रशासन के लिए थोड़ा मुश्किल भरा था, थोड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन भारतीय टीम ने जो प्रदर्शन किया है, ये भीड़ उनके प्रदर्शन के लिए है, ये भीड़ उनके प्रदर्शन की वजह से है। और ये भीड़ कह सकते हैं झारखंड सरकार की उस अनूठी पहल की वजह से भी है कि दर्शकों में, झारखंड की जनता में हॉकी को लेकर उत्साह बढ़े, हॉकी को लेकर जानकारियां बढ़े और हॉकी को लेकर उत्साह लगातार बढ़ता रहे। अपने बच्चों में, आने वाले जेनरेशन में हॉकी को लेकर एक उत्सुकता बढ़ती रहे, उसके मद्देनजर झारखंड सरकार ने एक अनूठी पहल की है। स्टेडियम में एंट्री प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क कर दिया है। जो भी चाहे मैच अंदर जाकर देख सकते हैं। हालांकि कुछ स्टैंड्स वीवीआईपी के लिए भी रखे गए हैं, उसको अगर साइड कर दें तो लगातार दर्शकों का हुजूम देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनंजय लगातार मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर से बने हुए हैं। धनंजय, आज भारत और चीन का मुकाबला है, कांटे की टक्कर होने वाली है, प्रतिद्वंदी मजबूत है और इस मुकाबले को लेकर, महामुकाबले को लेकर दर्शकों में, जनता में, राजधानी वासियों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए आयुष, अगर चाइना की बात करें, चाइना भी काफी मजबूती माना जाता है, लेकिन भारत ने पिछले बार जब ओमान में मैच हुआ था एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2022 में, तो चाइना को 2-0 से हराकर इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस बार अभी चाइना और इंडिया का मैच है, चाइना भी मैच जीत के आ रही है और इंडिया भी दो मैच जीते है। तो बहरहाल सभी जो दर्शक हैं, जो जितने भी प्रशंसक हैं खेल स्टेडियम में, धीरे धीरे आ रहे हैं। ऑलरेडी पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, हमारे पीछे भी देख सकते हैं जो प्रशंसक का क्या उत्साह, किस तरह से चेयर्स करते हुए अपने प्लेयरों को, जिस तरह से इंडिया चेयर करते हुए अपने क्रिकेट के मैदानों पे देखा होगा, लेकिन हॉकी के लिए ऐसा जुनून, ऐसा जज्बा पहली बार देख रहे हो। लगातार तीन दिनों से जो मैच हो रहा है और तीन दिनों से जो मैचों में जो उत्साह दर्शकों को आ रहा है, वो कहीं ना कहीं रांची और पूरे झारखंड, पूरे विश्व भर में ये मैच को देख के इस तरह उत्साह, कहीं सभी प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए, हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं जो मैच देखने के लिए आए हैं। मैच लगातार दो मैच इंडिया जीत चुकी है और चाइना से आज मैच है 8:30 बजे। क्या
सबसे पहले आप तमाम सभी श्रोताओं को झारखंडी जोहार। आज ये झारखंड की राजधानी में जिसे हार्ट ऑफ झारखंड कहते हैं, आज एक ऐतिहासिक एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आज इतना बेहतरीन मुकाबला आज हम लोगों को देखने के मिल रही है, जहां लोग देश से चलकर विदेश से भी आ रहे हैं। रांची जैसे ये सुंदर शहर जिसे हम स्मार्ट सिटी कहते हैं, वहां स्मार्ट आज हम लोगों को अपनी निगाहों के सामने ये लाइव हम लोगों को देखने को मिलती है। ये पूरे झारखंड वासी के लिए, पूरे भारत वर्ष में आज ये इतिहास दोहराया जाएगा जब चाइना को पराजित कर इंडिया अपने नाम गोल्ड मेडल के तरफ बढ़ाएगी। और पूरे इसी जोश और जरूस के साथ आज हमारे साथ पूरी आवाम जो चलकर आई है, पूरे 28 राज्य से चलकर आई है, आज एक ही आवाज सुनाई देगी, जखन बाजी बाजा तखन जुमी आपने कर डाजा, इंडिया इंडिया। तो कितना जीरो अखन तक लास्ट में हमरे कर बता रहे कि 10 गोल करी, उकर में 7 गोल करा जा रहे, और आज कर मुकाबला में चाइना के जो हो कम से कम जो 7 गोल से प्लस होगी, लेकिन उकर से कम नहीं हुई। लेकिन थोड़ा सा रोमांचक कर अपेक्षा करके आई, चाइना का भी 1-2 गोल मारे कर उम्मीद करीला, देखकर में मजा हल्ला करा भाई, अखन तो गला देखा तक बहुत बढ़िया है। आप लोग क्या कर, आप क्या कहना चाहेंगे जी? इंडिया इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। आप बताए, इंडिया चाइना? बिल्कुल इंडिया जीतेगा, और हम लोग इंडिया का सपोर्ट में आए हैं। पिछले 2 मैच झारखंड के 3 खिलाड़ी पर खेल रही है जी, झारखंड के 3 खिलाड़ी खेल रहे, जो बहुत झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, और हम लोग ज्यादातर वही तीनों खिलाड़ी को देखने के लिए, हम लोग चाहेंगे कि झारखंड के तीनों खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करें, और आज इंडिया को जीत दिलाए। उस दिन भी झारखंड के खिलाड़ी 3 गोल मारे थे, दूसरे चाहते हैं संगीता जी आज भी गोल करें, इंडिया जीतेगा। देखिए जिस तरह से चेयर्स अपने लोकल गर्ल संगीता निकी प्रधान सलीमा टेडे को लेकर किया जा रहा है, सभी उत्साह है। हम आपको और तस्वीरें आपको और दिखाते हैं, जिस तरह से सामने टाइम आ रहा है, 8:30 बजे का टाइम है और 8:10 होने वाले हैं, और सभी गेट पे इंतजार कर रहे हैं, अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं। देखिये सभी जितने भी बच्चे लेके भी आ रहे हैं, मैच देखने जा रहे हैं इंडिया चाइना, क्या कितना उत्साह है बच्चा को लेके आ रहे हैं? बहुत उत्साह है, क्या क्या लगता है? उत्साह है, इसीलिए तो बच्चे को लेके आए। क्या करना चाहिए इंडिया चाइना में जो मुकाबला है, कौन फाइट करेगा? ऑब्वियसली रूट करेंगे इंडिया के लिए। कैसा इस तरह का मैच झारखंड में आयोजन होना, अपने आप में गर्व की बात है जी। बिल्कुल प्राउड फील कर रहे हैं? काफी प्राउड फील कर रहे हैं। देखिए मैच अभी जो जिस तरह से अभी जापान 4-0 से थाईलैंड को हराया, और जापान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुका है, पिछले बार की जापान टीम चैंपियन है, 2022 में उन्होंने एशियन वुमेन चैंपियन ट्रॉफी का कप जीता था और इंडिया ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो इंडिया चाहेगी, इंडिया चाइना को डिफेट पिछले बार भी किया था, इस बार भी वो हराने का पुरजोर कोशिश किया जाएगा, क्योंकि इंडिया का इस मैच में अगर जीत जाता है तो सेमीफाइनल भी पहुंचेगा, क्योंकि 3 मैच लगातार जीतने से सेमीफाइनल पहुंचे। हम आपको गेट तक लेकर चलते हैं, पिंटू को बोलेंगे गेट तक दिखाया किस तरह से लाइन लगा हुआ है, लाइन से कैसे लोग आ रहे हैं, एक करके कोशिश कर रहे हैं कि सभी अंदर जा सके और मैच का लाइव स्ट्रीमिंग देख सके, लाइव मजा ले सके, क्योंकि काफी लंबी भीड़ है बाहर में, करीबन जो दर्शकों के हुजूम है, देखिए तस्वीरों में किस तरह से लोग, आप लोग मैच देखने के लिए जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इंडिया चैनल कि हम लोग सिर्फ इंडिया को सपोर्ट करते हैं, लाइक को इतना खुशी हो रहा है कि हम जा रहे उधर, लाइक आई एम स्पीचलेस। क्या कर, हाँ चाइना से अभी जो इंडिया एशियाड में हार गई थी, अब बस उसका बदला ले ले, वो ज्यादा जरूरी है हम लोग के लिए। इस बार इंडिया चाइना को हराएगी? बिल्कुल बिल्कुल हराएगी, चाइना कहीं भी टीम है तो उस बार उनका होम ग्राउंड था, अब हमारा होम ग्राउंड है, हम अच्छा करेंगे। देखिए जो तस्वीरें आपको दिखाते हैं एक एक करके इस गेट से, वीआईपी गेट है, और इस गेट में अभी आप सोच लीजिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, तस्वीरें आपको दिखाएंगे, बाहर में एलईडी भी आपको नजर आ रहा होगा, उस एलईडी पे भी हजारों लोग 3 दिन से लगातार कोशिश कर रहे थे कि मैच के अंदर जाए, लेकिन जो दर्शक अंदर नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए एलईडी लगाया गया है, एलईडी स्क्रीन के बाहर वो मैच भी देख रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके जितने भी प्रशंसक दर्शक हैं देखने के लिए इंडिया और चाइना का मैच देखने के लिए अंदर आ रहे हैं, और दूसरी जो गेट है 3 नंबर गेट और 4 नंबर गेट में काफी लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि ऑलरेडी स्टेडियम फुल हो चुका है, और स्टेडियम फुल होने से जो दर्शक है बाहर में ही उनको निराश होकर देखना पड़ रहा है, क्योंकि आपको कुछ तस्वीरें आपको दिख रही होगी गेट में, इस गेट में भी एक एक करके लोग आ रहे हैं मैच देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन पहला मैच टाई हुआ, दूसरा मैच की अगर बात करें, दूसरा मैच की अगर बात करें तो अब देखिए जापान 4-0 से हरा के सेमीफाइनल, पहला जो
पहला टीम है जो जापान जो सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और अभी जो मैच है इंडिया और चाइना का, अगर इंडिया जीत जाती है तो इंडिया भी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। क्यास यही लोग लगा रहे हैं कि इंडिया चाइना को बुरी तरह से हराए और वो अपने सेमीफाइनल का रास्ता क्लियर करे और सेमीफाइनल पहुंचे। थोड़ी चिंताजनक है, चिंताजनक हम इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय महिला हॉकी टीम और चीन की महिला हॉकी टीम के बीच कुल 39 मुकाबले खेले गए हैं। भारतीय टीम को महज 10 जीत मिली है और चाइना की महिला हॉकी टीम ने 24 जीत दर्ज किया है और 5 मुकाबले ड्रॉ रहे। ऐसे में ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि क्या आज के मुकाबले में हमारी जो होम गर्ल्स हैं, हमारी जो झारखंड की लड़कियां हैं, सलीमा टेटे हो, निकी प्रधान हो, संगीता हो, उनका जौहर देखने को मिलेगा। और वो जो रिकॉर्ड है, वो जो रिकॉर्ड में एक बड़ा फासला है, उस फासले के अंतर को थोड़ा कम कर दिया जाएगा, क्योंकि एक महामुकाबला चाइना और भारत के बीच हुआ था, चीन और भारत के बीच, जिसमें भारतीय टीम ने मस्कट में 2022 में 7-1 से चाइना को पराजित किया था। क्या इस बार फिर वो दोहराया जाएगा? देखिए, वाकई में इंडिया मजबूत टीम है, चाइना भी कहीं ना कहीं अपना चाहेगा कि मैच को हम काफी हद तक क्लोज लेके जाएं, लेकिन तीन जो खिलाड़ी है, संगीता लगातार गोल करती हुई आ रही है, सलीमा टेटे पूरा डिफेंड करते हुए नजर आ रही है, तो और सलीमा टेटे ने भी पहला मैच में गोल किया था, संगीता कंटिन्यू लगातार दो मैच में गोल करती आ रही है, लोकल गर्ल तीन जो है वो अच्छा प्रदर्शन का एक दबाव भी होता है होम क्राउड में खेलना, तो वो तमाम चीजों देखने को मिलेगा इस ग्राउंड में। जो चीयर्स किया जा रहा है ग्राउंड में, जिस तरह से क्राउड है पूरी तरीके से, एक भी सीट बैठने खाली नहीं है, और उसी को लेके भी जनता में थोड़ा नाखुश भी है कि हम किसी तरह मैच अंदर जा सके। देखिए अपने जिस तरह से आपको हम लगातार दो दिनों से दिखा रहे हैं, दो दिनों में बच्चे बुजुर्ग सभी लोग मैच देखने के लिए आ रहे हैं, और आज भी वही नजारा देखने को मिल रहा है कि जो मैच का नजारा है, जो मैच का जो इंतजाम किया गया है कि हम स्टेडियम में अंदर जाके देखें और अंदर देखें, कुछ ना कुछ इस तरह से काफी उत्साहित है दर्शक। हम जब बाहर अंदर में घुसने से पहले जब बात कर रहे थे लोगों से, तो उन्होंने साफ साफ कहना था कि हम चाहते हैं कि अंदर जाके मैच देखें, लेकिन सीट फुल है, हम तीन घंटे से, कोई दो घंटे से, कोई 3.5 घंटे से स्टेडियम के बाहर में अंदर जाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो मैच का सीट जो है वो काफी फुल है, तो प्रशासन नहीं चाहती कि वहां भगदड़ और हाउसफुल ऑलरेडी है, जितना कोशिश कर रहे हैं कि लोग अंदर जा सके, उनको मैच दिखाया जा सके, लेकिन सब चाहते हैं कि अंदर जा सके। लेकिन आप देखिए, अगर जूम करके तस्वीरें अगर आप दिखा पाएंगे तो देखिए स्टेडियम के बाहर जो एलईडी लगाया गया है, उस एलईडी में पूरी तरीके से उस तरह से भीड़ है, और वो भीड़ कहीं ना कहीं अपने आप में एक जोश भर देता है झारखंड के खिलाड़ियों को, इन भारत के खिलाड़ियों को, जितने भी विदेशी मेहमान आए हैं, इस तरह का एम्बियंस, इस तरह से क्राउड देख रहे हैं, तो उनका भी एक अपने शब्दों में वो बयान नहीं कर रहे कि इस तरह से क्रेज, इस तरह से झारखंड में क्रेज दिख रहा है कि हॉकी के लिए इतना क्रेज, मैच इंडिया पाकिस्तान हो तो इस तरह का मैच देखने के लिए, इंडिया का कोई T20 मैच होता है तो देखने के लिए इतना क्रेज देखा जाता है, लेकिन हॉकी के लिए इस तरह का क्रेज देखना कहीं ना कहीं अपने आप में एक रोमांच कर देता है। तो देखिए, एक तमाम जो प्रशंसक है, तमाम जो दर्शक है, एक एक करके अंदर जा रहे हैं और वो मैच का आनंद लाभ उठाना चाहते हैं। मैम, आप खिलाड़ी कुछ बताना चाहेंगे? इंडिया चाइना का मैच है, इंडिया चाइना का मैच, हॉकी की जो उत्साह देखा जा रहा झारखंड में, कभी इस तरह से लोगों ने देखा नहीं था। बिल्कुल, बहुत अच्छा ये मौका है झारखंड के खिलाड़ियों के लिए कि नजदीक से देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छा मैच हो रहा है, और अभी जैसे मैच स्टार्ट होने वाला है, अभी हमें बहुत अच्छा मैच देखेंगे और रिजल्ट भी अच्छा देखेंगे हम लोग। प्रशंसक है जो हॉकी बाहर से ही देख पा रहे, अंदर नहीं जा पा रहे। बिल्कुल, उनको बहुत दुख हो रहा है कि हम लोग नजदीक से नहीं देख पा रहे, पर सभी तरफ लगाया हुआ है देखने के लिए, स्क्रीन डाला हुआ है, तो उसमें देखेंगे। इंडिया चाइना के मैच में क्या लग रहा है, कितना स्कोर से इंडिया चाइना को हराएगी? देखिए, ये तो मैच पे डिपेंड करेगा कि कैसे स्कोर होगा, जिसको ज्यादा मौका मिलेगा वही करेगा। देखिए सभी धनंजय यही बता, देखिए सब जीत की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पिछली बार भिड़ंत हुई थी भारतीय महिला हॉकी टीम और चीन महिला हॉकी टीम के बीच, वो भिड़ंत हुई थी 5 अक्टूबर 2023 को। मौका था एशियन गेम्स का, ब्रॉन्ज मेडल के लिए ये मुकाबला खेला जा रहा था। चाइनीज टीम ने, मतलब चाइनीज महिला टीम ने भारत को 4-0 से हराया था। क्या वो जख्म को इस बार मिटाया जाएगा? क्या उस हार का बदला आज लिया जाएगा?
देखिए वही क्वेश्चन में जब पूछा था कुछ देर पहले एक प्रशंसक एक दर्शक ने बताया कि पिछली बार चाइना ने भारत को हराया था उसी को बदला आज लेगा, क्यों होम क्राउड है, होम प्लेयर है, भारत की टीम मजबूत, दो टीम अच्छे 7-0, 7-1 और तमाम दो मैचों जीत के आ रहे हैं, तो आज भी वो प्रदर्शन वो बरकरार रखेगी और चाइना को कम से कम जो लोग को कहना है कि मैच हो सकता है टाइट हो लेकिन 3-4 गोल से तो आराम से चाइना को हरा दे। लेकिन पिछली बार जब फाइनल हुआ था 2022 में तो उन्होंने चाइना को शिकस्त दिया था और वो जीता भी था, तो अब बहरहाल देखने वाली बात होगी कि चाइना किस तरह से प्रदर्शन करती है, क्योंकि चाइना जीत के आ रही है, इंडिया भी जीत के आ रही है, दोनों टीमें मजबूत मानी जाती है हॉकी में और हॉकी में दोनों का टीम प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, तो बहरहाल आयुष देखने वाली बात होगी कौन टीम जीतती है, क्योंकि उसी चीज को देखने के लिए दर्शक स्टेडियम के अंदर जाना चाह रहे हैं। चाइना से ऐसे भी एक प्रतिद्वंदी रहता है तो खेल के मैदान में भी वो देखने को मिलता भी है और चाहते हैं कि वो हम चाइना को हराएं, उसको धूल चटाएं। इंडिया टीम हमेशा चाहेगी कि चाइना में इंडिया में मैच हो रहा है, वो भी झारखंड में हो रहा है और चाइना टीम को हराएं और अच्छी खासी से हराएं। तो ये जो हम आपको कुछ और तस्वीरें हम यहाँ से दिखाने की कोशिश, देखिए एक एक करके जैसे जैसे टाइम सामने आ रहा है, समय टाइम 8:18 हो चुके हैं और कुछ मिनट यानी 12 मिनट के अंदर में मैच की शुरू हो जाएगा। मैच शुरुआत होने से पहले सभी लोग चाहते हैं कि स्टेडियम के अंदर चले जाएं और मैच का लुत्फ उठाएं। हम कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोग मैच देखने के लिए जा रहे हैं इंडिया चाइना, क्या लग रहा है, क्या मैच में क्या कितने जीरो से चाइना को हराएगा और किस तरह से एम्बियंस है? मुझे तो लग रहा है जैसे पिछला मैच भी जीता है 5-0 से इसमें भी जीतेगा। जो प्रशंसक का भीड़ इस तरह से इंडिया टीम और किसी क्रिकेट मैच में देखा जाता था लेकिन हॉकी में इस तरह से नहीं, तो अब लोगों को स्पोर्ट्स के तरफ रुझान होते जा रहा है ना, तो इंटरेस्ट बढ़ रहा है। पहले खाली क्रिकेट ही था जिसमें, अब आज के डेट में है कि हर फील्ड में इंडिया प्लेयर आगे निकल रहे हैं। इससे क्या लगता है कि हॉकी टीम में महिलाओं को और झारखंड से बढ़ाने के लिए मदद मिलेगी? बिल्कुल, इंडियन टीम में 3-4 प्लेयर हैं जो झारखंड से बिलोंग करते हैं और इसीलिए झारखंड में के लोगों को उत्साह भी है। देखिए स्वाभाविक है कि झारखंड के लोगों को उत्साह ज्यादा बढ़ेगा ही। देखिए मैच जिस तरह से अपने पर मैच जिस तरह से चरम पे है और लगातार जिस तरह से क्राउड मिल रहा है, जिस तरह से लोग अंदर में वेट फर्स्ट में जब 4 बजे मैच स्टार्ट होता है तो आप सोच लीजिए कि 1 बजे से लाइन या 12 बजे से लोग लाइन लग जाते हैं ताकि हम एक बार अंदर स्टेडियम में चले जाएं और तीनों मैच देख सके, क्योंकि लास्ट मैच इंडिया का होता है और इंडिया के टाइम में जो क्राउड होता है तो अंदर नहीं जा पाते, तो उसे बचने के लिए लोग पहले आ जाते हैं और मैच एक बार अंदर चले जाते हैं तो सीट में बैठ के उठते नहीं है। और जो मैच जिस तरह से यहाँ किराया जा रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो कराया गया झारखंड सरकार द्वारा, हॉकी इंडिया के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उससे काफी खुश, लेकिन हाँ स्टेडियम थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, दर्शकों को जितना क्राउड आ रहा है उस क्राउड के हिसाब से स्टेडियम बड़ा नहीं है, लेकिन हजारों की संख्या में स्टेडियम के बाहर लोग एलईडी में मैच देख रहे हैं और जितने भी कोशिश कर रही है प्रशासन की ज्यादा से ज्यादा लोगों को अंदर दिखाया जा सके, बैठाया जा सके और ताकि जो हम चाहते थे यानी झारखंड गवर्नमेंट या भारत में जिस तरह से चाहते थे कि हम क्राउड को अपने और खींच के लाएं, क्राउड अंदर तक हॉकी मैच को इंडिया बाकी मैचों की तरह मैच देखते हैं, भीड़ होती है उस तरह से हॉकी मैच को भी लोग देखें और खिलाड़ी को उत्साह बढ़ाए, वही कामयाब रही झारखंड सरकार की क्राउड को अपनी ओर खींच के ला सके और मैच को दर्शकों तक हॉकी को राष्ट्र गेम जो है और राष्ट्र पूरे देशों में इसको और खिलाड़ी जुड़ सके, क्योंकि लोग ज्यादातर क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट टीम में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं क्योंकि नाम शोहरत पैसा सब उसमें आपको मिलता है, लेकिन हॉकी का जुनून जो देखने को मिला और हॉकी को भी अब लोग चाहने लगे झारखंड सिमडेगा की लोग जब चर्चा करते थे, लोग जब नुक्कड़ पर बैठकर या फिर कहीं जब 3-4 दोस्त एक साथ मिलते थे तो चर्चा करते थे क्रिकेट के बारे में, वर्ल्ड कप भी चल रहा है, ऐसे में हॉकी का ये महाआयोजन और राजधानी रांची में चर्चा का विषय अभी वर्ल्ड कप से ज्यादा ये महामुकाबला हॉकी का बना हुआ है, ये जो एशियन वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी है ये बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो झारखंड सरकार की पहल थी वरंगलाती नजर आ रही है और हॉकी को लेकर अब दर्शकों में उत्सुकता देखने को मिल रही है, एक तरफ विश्व कप क्रिकेट का वो भी और दूसरी तरफ हॉकी, तो क्या लग रहा है चर्चाओं का बाजार राजधानी का क्या बता रहा है?
हमारा संपर्क हमारे सहयोगी धनंजय से कुछ तकनीकी खराबी की वजह से टूट गया, हम उनसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो भीड़ देखने को मिल रही है ये अपने आप में उत्साहवर्धक है। क्यों? क्योंकि भारत बनाम चीन है, भारत बनाम चीन ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड, हर जगह राइवलरी देखने को मिलती है। और इस बार का मुकाबला खास इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार जब भारतीय टीम और चीन की महिला टीम के बीच भिड़ंत हुई थी, भारत को एक हार झेलना पड़ा था, हार और वो भी बड़ा हार, 4-0 से एशियन गेम्स में पराजित किया था चाइना की चीन की महिला हॉकी टीम ने। और कहीं ना कहीं उसके बाद से हमारी लड़कियों ने, भारत की लड़कियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। पिछले दो मुकाबले भी अगर हम देख लें वो सबूत है इस बात का, 1-7-0, 1-6-0। और इस बार का मुकाबला खास है, क्या चाइना की टीम को, चीन की टीम को भारत की लड़कियां इस बार मरांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पटखनी देंगी, ये तो देखने वाली बात होगी। कुछ ही मिनटों में मैच शुरू होगा और पता चल ही जाएगा। हमारे सहयोगी धनंजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय, हम चर्चा कर रहे थे कि चर्चाओं का बाजार, एक तरफ विश्व कप जो कि क्रिकेट का विश्व कप ऊपर से मेजबानी भारत कर रहा, दूसरी तरफ हॉकी एशियन वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी उसकी भी मेजबानी भारत कर रहा, और सबसे बड़ी बात है राजधानी रांची में ये मुकाबला हो रहा है, तो चर्चाओं का बाजार अभी फिलहाल किस ओर झुकता नजर आ रहा है, पलरा किसका भारी नजर आ रहा है, चर्चा हॉकी की ज्यादा हो रही है या फिर मेंस वर्ल्ड कप की? देखिए, आपने सही बोला आयुष की इंडिया वर्ल्ड कप का मैच भी चल रहा है क्रिकेट और यहाँ पे हॉकी, लेकिन आप सोचिए कि मैच चल रहा है वर्ल्ड कप में और हॉकी का जुनून, उस दिन इंडिया का मैच था और स्टेडियम में यहाँ लोग उस दिन भी आए थे और आज भी लोग मैच देखने के लिए आए हैं, तो मैच इंडिया का वर्ल्ड कप में खेल भी रही है और अच्छा प्रदर्शन वहां भी कर रहे हैं, वहां पे भी लगातार मैच जीते हुए टॉप रैंक में इंडिया टीम बनी हुई है और यहां पे भी दो मैच लगातार हॉकी जीत के और कोशिश करेगी कि आज तीसरा मैच जीते और सीधा क्वार्टर फाइनल का टिकट कटा ले। तो जो जुनून देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है रांची और झारखंड के में, जो दर्शक आ रहे हैं वर्ल्ड कप पे भारी पड़ रहा है क्योंकि स्टेडियम में आपको जगह नहीं मिला, तो इससे यही कयास लगाया जा सकता है, यही कह सकते हैं हम कि मैच हॉकी का जो जुनून है क्रिकेट पे भारी पड़ रहा है। और लोगों से जब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया इंडिया चीयर्स भी कर रहे हो, इंडिया सबका कहना है कि इंडिया कम से कम 3-4 गोल करेगी और चाइना को हराएगी। अब बहरहाल चाइना भी कमजोर टीम नहीं है, चाइना भी कोशिश करे कि हम कम गोल से हारे या वो भी जीत जाए, लेकिन बहरहाल अब 5 मिनट का टाइम बचा हुआ, 5 मिनट के अंदर वो मैच शुरू हो जाएगा, सबके आंखों देखा हाल होगा। लेकिन जो हम आप पूरी तरीके से पूरा यहाँ पे आप थोड़ा सामने हम कोशिश करेंगे पिंटू को लाने का कि कोशिश करिए कि गेट से आपको वो LED स्क्रीन को हम यहाँ से जूम के माध्यम से दिखा सकें कि जो LED स्क्रीन बाहर में लगा हुआ और लोग यहाँ से धीरे धीरे करके अंदर आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैच को हम अंदर आके ही देखें, लेकिन ये गेट में जो इनके पास है उन्हीं का एंट्री है, उस थोड़े से दूर यहाँ से 10 कदम 15 कदम दूर एक गेट है जिस गेट में नॉर्मल लोग एंट्री कर रहे हैं, वहां से आम जनता के लिए रखा गया है। तो हम भी इस गेट के अंदर में, तो हम अभी बाहर नहीं जा पाएंगे, हम इसीलिए अंदर से दिखा रहे हैं कि ताकि जो इस गेट से लोग, इसमें भी क्यू लग गया, आप देखिए जो VIP गेट है उसमें भी लोग अंदर आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम अंदर पहुंच सके और मैच यहाँ पे नजारा देख सकें कि ये इंडिया का मैच हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा बाहर जाके कुछ और नजारा हम दिखा सके, कोशिश करते हैं। देखिए ये नजारा देखिए, जो हुजूम है ये दर्शकों का, प्रशंसकों का जो हुजूम है, कहीं ना कहीं एक रोमांच भर देता। हम आपको कोशिश करते हैं कि फ्रंट मेन गेट है, इस मेन गेट के अंदर कैसा भीड़ है और ये भीड़ लगातार क्रम बर क्रम आते जा रही है, लोग खोज रहे हैं, सोच कोशिश कर रहे हैं कि हम अंदर जाएं और मैच का आनंद लें। देखिए ये गेट में भी लोग कई लाइन लगे हैं और उस गेट जा आपको जूम करके कोशिश करते, देखिए क्या हुजूम है। हम कोशिश करते हैं कि कुछ मिनट में वो तस्वीर हमको दिखा सके कि कितनी लंबी लाइन लग गई है कि इंडिया का मैच वो देखने के लिए। पिंटू आप वो जूम करके कोशिश करिए कि आप वो तस्वीरें आप दिखा सके कि जो हम पहले दर्शकों को दिखा रहे थे कि दो तीन बैरिकेटिंग लगा दिया गया है, जो दर्शकों का हुजूम है प्रशासन की तरफ से कोशिश किया जा रहा था कि
दर्शकों का वो भगदड़ न मचे उसके लिए 3 बैरिकेटिंग लगा दिया है। कल तक 2 बैरिकेटिंग था और आज जो क्राउड देखा गया, लोगों का जो हुजूम देखने लगा, लोग वेट नहीं करना चाहते, बाहर में जल्द से जल्द मैच देखना चाहते हैं, तो उन्हीं तस्वीरों को हम अपने टीवी के TV45 के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि पूरे दर्शक वो देख सके कि क्या हुजूम भरा पड़ा हुआ है। और देखिए बंद कर दिया गया, हमको जहां तक लग रहा है कि गेट लोग खड़े हुए हैं, इसका मतलब एंट्री बंद हो गई है, जो अंदर नहीं जा पा रहे वो काफी निराश हैं। और एलईडी स्क्रीन पर वो एलईडी स्क्रीन पे ही मैच देख पाएंगे। देखिए बैरिकेटिंग लगा दिया गया और यहीं से लोग निराश है, नाराज है, क्योंकि हम उनके पास जाते हैं, उनका कहना है कि हमें अंदर नहीं जाने दिया गया, लेकिन कोशिश किया जा रहा है कि जितना अंदर जा सके वो दर्शक अंदर जा सके। देखिए पूरा क्राउड, पूरा क्राउड वो देखिए आपको दिखाते हैं, ये पूरा क्राउड अंदर नहीं जा पाया, उसका मलाल है कि वो बाहर से ही मैच को उनको देखना पड़ेगा। कोशिश किया गया जितने लोगों को बैठाने का व्यवस्था था वो व्यवस्था किया गया कि अंदर जा सके, लेकिन जो आपने अंदर जो नहीं जा पाए उनके लिए निराशा है। देखिए लोग मैच देखने के बाहर देखने को मिला, ये अपने आप में बयां कर रहा है कि आज का मुकाबला कितना बड़ा होने वाला है। भारत बनाम चीन एशियन विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला, भारत का तीसरा मुकाबला, और भारतीय टीम चाहेगी कि आज चीन को पराजित कर उस मुकाबले का बदला लिया जाए, जब एशियन गेम्स में 5 अक्टूबर को 4-0 से चीन की टीम ने भारतीय महिला टीम को पटखनी दी थी। आज वो मौका है, आज वो मौका है जब भारतीय टीम एक बार फिर इतिहास दोहरा सकती है, एक बार फिर बड़े अंतर से चीन की टीम को हरा सकती है। कुछ ही सेकेंड्स में मुकाबला शुरू होने वाला है और झारखंड की लड़कियां इस बार बिल्कुल तैयार है। संगीता लगातार गोल करती आ रही है, अब देखना यह होगा कि आज के मुकाबले में भारत की बेटियां चीन के खिलाफ कितना गोल दागती हैं। फिलहाल आज के इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV45। नमस्कार।